हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फोर वार चैन मैकेनिज्म के बारे में, या इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक साइक्लिक चैन मैकेनिज्म। ये होता क्या है और इसकी चीज़ों को हम समझते हैं कि किस हिसाब से ये फंक्शनिंग करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। तो फोर वार चैन मैकेनिज्म जो होता है, जनरली इसमें चार लिंक और चार टर्निंग पेयर होते हैं। फोर लिंक हो गया और फोर टर्निंग पेयर होगा, ठीक है। और टर्निंग किस हिसाब से हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये फोर वार चैन मैकेनिज्म है। फोर वार चैन मैकेनिज्म में चार लिंक हैं और चार टर्निंग में पेयर होंगे। यहाँ पे पहला लिंक, दूसरी लिंक, तीसरी और चौथी लिंक, ठीक है। अब ये जो चारों लिंक हैं, ये चारों लिंक सेम नहीं होंगी, अलग अलग साइज़ की होंगी। ये छोटी लिंक होगी, इसे हम बोलेंगे क्रैंक एंड ड्राइवर, जो कि स्मॉलेस्ट लिंक होगी, जो कि हमें मोशन देगी 360 डिग्री। ये ऊपर जो लिंक होती है, इसे बोलते हैं कपलर या कनेक्टिंग रोड बोलते हैं। इसके साथ में नीचे जो लगी होती है, जिस पे आउटपुट मोशन मिलता है, उसे बोलते हैं लीवर या रॉकर। और नीचे जो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड को हम बोलते हैं क्या, फ्रेम। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो 1 होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में। तो इसको समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फोर लिंक, ईच ऑफ देम फॉर्मिंग अ टर्निंग पेयर। मतलब ये जो फोर वार चैन मैकेनिज्म होता है, ये फोर लिंक को कंसिस्ट करता है और इसके अंदर चार टर्निंग पेयर होते हैं, ठीक है। चार टर्निंग पेयर जो होते हैं, तो उस टर्निंग पेयर क्या होता है, मैंने बताया ना, आप टर्न मतलब थोड़ा भी टर्न होगा तो उसे टर्निंग और रोलिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिंक इस लिंक के अंदर, वन लिंक फोर्थ लिंक के अकॉर्डिंग टर्न कर रहा है और फोर थ्री के अकॉर्डिंग टर्न कर रहा है, तो यहाँ पर टर्निंग पेयर मिल रहा है। और टर्निंग पेयर क्या होगा, हमारा लोअर पेयर होगा, जो कि सरफेस कॉन्टेक्ट को कनेक्ट करेगा। अब बात करें इसके अंदर, द काइनामेटिक चेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पेयर। ये जो काइनामेटिक चेन, या ये जो मैं इसकी बात करूँ, फोर वार चेन मैकेनिज्म, बेटे कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पेयर हैं इसके अंदर, जिसे हम काइनामेटिक पेयर भी बोलते हैं। सच दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक इज कंप्लीट कंस्टेंट। ये चीज़ याद रखना है, एक तो रिलेटिव मोशन हो रहा है इनके बीच में, और दूसरा कंप्लीट कंस्टेंट मोशन। कंप्लीट कंस्टेंट मोशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक स्क्वायर वार है, इसके अंदर एक ये रॉड है, ये स्लाइड हो रहा है, तो मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, उस डायरेक्शन में आपको एक ही रिक्वायर्ड मोशन दे रहा है, ओनली लीनियर मोशन। तो इसे बोलते हैं हम कंप्लीट कंस्टेंट मोशन, ठीक है। तीन तरह के मोशन होते हैं, कंस्टेंट मोशन, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो होप आपको ये फोर बार चैन मैकेनिज्म समझ में आया होगा। इसको क्वाड्रेटिक साइक्लिक चैन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, साइंटिस्ट के ऊपर इसने रखा है, साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, जिसमें हम चार लिंक होती हैं और चारों लिंकों के अलग अलग नाम हैं। इन लिंकों के नाम जरूर ध्यान रखना, छोटी लिंक होती है वो होती है क्रैंक, और बड़ी होती है वो कपलिंग। फिर उसके बाद दो लिंक और होती हैं, पी एंड क्यू, इनकी ये भी बड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे हम एक को लीवर रॉकर भी बोलते हैं, इसको फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें इस लिंक के अंदर टाइप्स ऑफ रोटेशन की, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइप्स ऑफ रोटेशन की बात करें तो जनरली ये जो मैकेनिज्म, इसमें दो रोटेशन होंगे, एक तो कंप्लीट रोटेशन होगा जो कि 360 डिग्री हो, और एक पार्शियली रोटेशन होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है आपको कि कंप्लीट रोटेशन कहाँ है, तो कंप्लीट रोटेशन कहाँ मिलता है हमें, क्रैंक पर मिलता है, क्रैंक 360 डिग्री घूमता है, ठीक है, जब हम किस फ्रेम को फिक्स करेंगे तभी। उसके बाद ऑक्सीलेशन हमको कहाँ मिलेगा, लीवर और रॉकर में। जो ऑक्सीलेशन हमें मिलेगा वो हमेशा कहाँ मिलेगा, लीवर और रॉकर मैकेनिज्म में ऑक्सीलेशन आपको मिलेगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में हम इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं, ये किस हिसाब से फंक्शनिंग करता है, इसको आप एक बार देख लीजिए। ये यहाँ पे ये जो है, ये फोर बार चैन मैकेनिज्म है ना, इसमें ये 360 डिग्री घूम रहा है, यहाँ पर ये 360 डिग्री घूम रहा है, तो यहाँ पर हमें ये इस टाइप से ऑक्सीलेशन मोशन मिल रहा है। तो ये इसकी मैं बात कर रहा था, मतलब इसमें ये कंप्लीट रोटेशन देगा और यहाँ पर ये ऑक्सीलेशन रोटेशन देगा, जिसे हम लीवर और रॉकर बोलते हैं। मतलब पार्शियली रोटेशन कहाँ मिलता है हमें, लीवर और रॉकर, दो ऑप्शन होंगे और इसमें ये मिलता है, ठीक है। तो ये फोर बार चैन मैकेनिज्म। अब फोर बार चैन मैकेनिज्म के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ग्रशॉप लॉ ऑफ फोर बार चैन मैकेनिज्म क्या होता है। मतलब एक ग्रशॉप साइंटिस्ट थे जिनने बताया, जिनने इसी फोर बार मैकेनिज्म को कुछ अलग वे में डिफाइन किया इस फॉर्मूले की मदद से। एस प्लस एल इज लेस देन एंड इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसमें ये दोनों लिंक जो हैं, ये शॉर्टेस्ट लिंक, ये लॉन्गेस्ट लिंक, और ये दो अदर रिमेनिंग लिंक, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया, ग्रशॉप लॉ ने फोर बार चैन मैकेनिज्म को। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि चार लिंक और चार टर्निंग पेयर किस मैकेनिज्म के अंदर है, तो इट इज कॉल्ड एज फोर बार चैन मैकेनिज्म, या क्वाड्रेटिक साइक्लिक चैन मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसे बोलते हैं फोर बार चैन मैकेनिज्म। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसके बाद
आपको ये पूछ सकता है कि ये जो फोर बार चैन मैकेनिज्म में है, कपलिंग रॉड क्या होती है, लीवर क्या होगा, अब इन सब में से अगर इसको फिक्स करूँ तो क्या मैकेनिज्म मिलेगा, इसको फिक्स करूँ तो क्या मिलेगा, इसको फिक्स करूँ तो क्या मिलेगा, फोर्थ को फिक्स करूँ तो क्या मिलेगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस वीडियो लेक्चर को देखिए, सेकेंड वीडियो लेक्चर को। अब बात करते हैं सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम ग्रिशॉप लॉ ऑफ फोर बार चैन मैकेनिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए।